Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party Chief, has broken his silence on the allegations made by Swati Malewal, the Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP, on being allegedly slapped and kicked by Kejriwal's right-hand man, suspended PA Bibhav Kumar. He has launched a counter on the BJP, accusing them of wanting to crush the Aam Aadmi Party and wanting his leaders in jail. He has equated the arrest of his suspended PA Bibhav Kumar after the assault allegations by Swati Malewal to arrests against him and his ministers as the accused in Delhi liquor policy scam. He, in fact, has said that all Aam Aadmi Party MLAs and MPs will protest at the BJP headquarters tomorrow. एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLAs, MPs, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार जा डाल के देख लो। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं देश भर के, वो चाहे अजीत पवार हों, चाहे नारायण राणे हों, चाहे छगन भुजबल हों, सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। तो प्रधानमंत्री जी का मकसद है भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ, और जो सरकार काम कर रही है, जो विपक्ष की पार्टियाँ जनता के हित में काम कर रही हैं, उनको बर्बाद करो। दिल्ली को तबाह और बर्बाद करने का पूरा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कभी LG का इस्तेमाल किया, कभी CBI का इस्तेमाल किया, कभी ED का इस्तेमाल किया, हमारी पूरी पार्टी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपकी असलियत लोगों ने देख ली। मोदी की प्राथमिकता है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, और उसी के लिए मोदी जी काम करते हैं। Bibhav Kumar was arrested earlier today after he was picked up from Chief Minister's official residence around noon. His anticipatory bail has been rejected on technical grounds. He has been arrested after being named as the alleged assaulter by Swati Malewal, who claimed that she was assaulted, slapped 7 to 8 times, kicked on the stomach and pelvis by him. The medical report has revealed bruises on her face and leg. The report is by the Jayaprakash Narayan Epic Trauma Center at AIIMS, New Delhi, that confirms Swati Malewal sustained injuries to 4 parts of her body, including her left leg and below the right eye. Kejriwal, ye nautanki baji band karo. Hum aapse sirf ek sawal pooch rahe hain ki aapke ghar ke andar aapki mahila sansad ke saath maarpeet ki gayi, abhadrata ki gayi, और आज 6 दिन हो गए तुमसे एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक शब्द तो अपनी बहन के लिए बोल देते, जिसको तुम क्रांति झांसी रानी कहते थे, क्रांति की रानी कहते थे, जिसको तुम ज्वाला कहते थे, आज उसके लिए एक शब्द बोलते हो, उसको भी शर्म आ रही है। अरविंद केजरीवाल, इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ कि तुम्हारे घर में एक महिला के साथ बदतमीजी की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक तुमने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? बीजेपी थोड़ी किसी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार जांच एजेंसी करती है, और गिरफ्तार करने पे बेल या जेल ये कोर्ट का काम है। अगर वो ये समझते हैं कि वो स्वाति मालीवाल को पीटेंगे या दिल्ली की महिला को पिटाई करेंगे और उसके बाद भी कानून कुछ नहीं बोले, तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से तो दिवालिया हो ही चुके हैं,
चारित्रिक रूप से भी दिवालिया हो चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अगर आप किसी महिला को पीटोगे तो आपको सजा मिलेगी।